नमस्कार, वेलकम टू आर आर क्लासेस। आर आर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 22 सितंबर है। 22 सितंबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया है। सभी देश और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो वीआर चौधरी को अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया हैं, जो कि सितंबर के अंत में रिटायर हो जाएंगे। उनके बाद वीआर चौधरी नए वायुसेना अध्यक्ष बन जाएंगे। हाल ही में एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन का नौवां सदस्य कौन बना है? तो संघाई सहयोग संगठन का नौवां सदस्य ईरान बना है। ईरान की कैपिटल तेहरान है। ईरान की करेंसी ईरानी रियाल है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई, हेडक्वार्टर बीजिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर रहा है। दूसरे नंबर पर केरल है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में मिताली राज शीर्ष पर रही है। ICC की स्थापना 1909 में हुई, हेडक्वार्टर दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी को बनाया गया है। यह एक पावर बैंक और ऑडियो गैजेट्स बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन किया जा रहा है? तो लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। राजीव अग्रवाल एक IAS अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में DM रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? तो साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। इस बुक को पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। यह 20 सितंबर को शुरू हुआ है और 22 सितंबर तक चला है। थैंक यू।